उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की सूची जारी होने के बाद आपत्तियों के लिए 2 दिन का समय दिया गया था। इसी दौरान कई राजनीतिक दलों ने आपत्ति दर्ज कराई थी, जिस पर रुड़की, नारसन और भगवानपुर की आपत्तियों पर सुनवाई की जा रही है। आपको बता दें कि ज़्यादातर आपत्तियां आरक्षित की गई सीटों पर कम्युनिटी के आधार पर आ रही हैं। आपत्तियाँ सुनने के बाद इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी जाएगी, जहाँ से इसे शासन को सौंप दिया जाएगा। हरिद्वार से रामगोपाल की रिपोर्ट। जो ग्राम पंचायतों में और जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत में हमारे परिसीमन के उपरांत जो हमें आरक्षण के लिए हमें निर्देश दिए गए थे, तो उसमें आरक्षण के क्रम में अनंतिम सूची जारी हो चुकी थी। उस अनंतिम सूची पर 2 दिवस का समय था जिसमें आपत्ति की सुनवाई करनी थी, तो कल आपत्ति की सुनवाई हुई थी और आज हमारे 3 जो हमारे ब्लॉक हैं उनकी आपत्ति की सुनवाई की जा रही है, रुड़की, नारसन और भगवानपुर।